आपने और अपने परिवार के साथ जो वोट किया, क्या मुद्दे थे जिनको लेकर जो आप पोलिंग बूथ पर पहुंचे? अब मुद्दे का तो टाइम खत्म हो चुका है, अब तो वोट डालने का टाइम है और वो गैर जरूरी के कोई MCC का वायलेशन ना हो। अहम चीज ये है कि वोट डालना है ताकि आप अपनी पसंद का इजहार कर सकें, ताकि आप अपने क्षेत्र हो या अपना शहर हो या तेलंगाना हो या हैदराबाद हो, आप उसको कैसे देखते हैं, आप उसकी खूबसूरती को कैसे मजबूत करेंगे, आप यहाँ के अमन को कैसे बरकरार रखेंगे। यहाँ पर जो गंगा जमुनी तहजीब है जो पूरे मुल्क से मुनफरिद है, तो उसको आप कैसे रखेंगे? तो किसी एक यूट्यूब में देख रहा था, किसी एक शख्स ने बड़ा खूबसूरत तरीके से वीडियो बनाया, उसने कहा कि हम तमाम को हैदराबाद की आवाम का, उसने कहा बिरयानी है, तो बिरयानी में जो चीज़ डाली जाती है सब मिलकर एक साथ पकती है, तभी तो बिरयानी बनती है, उसको अलग भी नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी मिसाल उस शख्स ने दी है और उम्मीद करते हैं कि आवाम निकलेगी। मेरी खास गुजारिश है नौजवानों से जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं कि भाई इस मुल्क का मुस्तकबिल तो आपके कंधों पर बनेगा, अगर आप ही अगर आज काहली करेंगे तो फिर आप कैसे मुल्क को आगे लेकर जाएंगे? तो आप इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, आपको इस मुल्क को राह दिखाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने जोश व खरोश के साथ निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करें। और अवामुन्नास से मेरी अपील ये है कि ये छुट्टी मानने का दिन नहीं है, ये हॉलीडे या पिकनिक मानने का दिन नहीं है कि बैठ कर एक आप कोई TV देख रहे हैं। आप निकलिए, एक घंटे का काम है, 40-45 मिनट में आइए, अपना वोट डालिए, अपनी पसंद का इजहार करिए। और इससे होगा क्या कि जितने सियासी जमातें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। मैं आपका उन पर रोब और उनसे सवाल करना, उनसे पूछना, आप खाली बैठकर आप ट्वीट कर देंगे, एक फेसबुक पोस्ट निकाल देंगे और वोट ही नहीं डालेंगे तो फायदा क्या है? सर, झूठे सर्वे जो आए और प्रत्याशियों के जिस तरह के डीप फेक के वीडियो सामने आए, उसको देखकर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, ये बहुत बड़ा खतरा है ये, और अफसोस की बात यह है कि आप देख रहे हैं कि हालिया दिनों में, महीनों में, खास तौर से खवातीन महिला को इस तरह के शयातीन टारगेट कर रहे हैं। तो ये तो हमारे मुल्क के लिए साइबर सिक्योरिटी और पुलिस के लिए एक चैलेंज है। दूसरा, हमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी एक मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा, ये जो डीफेक वीडियोस हैं और ये जो सर्वेज आ जाते हैं, फिर किसी को पकड़ कर एक इंटरव्यू दिला देते हैं कैंपेन का टाइम खत्म होने के बावजूद भी, तो इसमें एक एक्शन होना चाहिए। भाई वो जो वीडियो डाल रहा है उसको पकड़िए। अब आजकल क्या करें, फेसबुक पे नहीं डालते अपने, इसको निकाल कर आप व्हाट्सएप पे डालते, उनके नंबर आपके पास व्हाट्सएप पर, देखिए कब डाल रहे हैं और उनको एक्शन लीजिए जब तक उनको आप, वरना एक फ्री एंड फेयर नहीं होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन पुरअमन रहेगा, लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और सबको अपना अपना पसंद नापसंद करने का इजहार का मौका मिलेगा। आखिरी सवाल, राजस्थान में हनुमान मंदिर गए कांग्रेस नेता और यहाँ पर जो है गौ की पूजा हो रही है, इतने दिन कहते रहे कि माइनॉरिटी वोट जो उनके पास है, अब ये सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड एक तरह से? अरे ये तो आप उनसे पूछिए, हम तो कह रहे थे आप लोगों को, मगर आप लोग यकीन ही नहीं कर रहे थे, आप लोग हमको ही हंस रहे थे। जितने आपके साथी हम बता रहे थे तो आप समझ रहे थे हम तो बता रहे थे आपको, ये भैया देख लीजिए, ये लोग दोहरे चेहरे हैं इन लोगों के।